हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जेके कुशवाहा। आज हम लोग ग्रामर का सिंथेसिस पढ़ेंगे। सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाना है। सिंपल सेंटेंस बनाने के 8 रूल हैं, तो उसमें से एक रूल हम लोग जो लेके आए हैं वो आज है इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव वर्ब के पहले टू लगाने से बनता है और इसका हिंदी में अर्थ निकालने पर नानेनी होता है। तो अब इस तरह से इन्फिनिटिव टू का को लगा करके हमको दो या दो से अधिक वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाना होता है। सिंपल सेंटेंस यह 11th 12th और कम्पटिटिव एग्जाम्स में आता है, तो इसके लिए आवश्यक है कि हम कुछ अभ्यास करें। ग्रामर अभ्यास का है, तो निश्चित रूप से अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा, और अपनी बुकों से सॉल्व करेंगे तो आपको ये इन्फिनिटिव का जो रूल है ये समझ में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे है कि हरी वेंट टू आगरा, एक सेंटेंस हो गया। ही वांटेड टू सी द ताज। अब इसमें देखिए कि दो सेंटेंस है, हरी वेंट टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज, तो वह ताज देखना चाहता था। वह आगरा गया, ताज देखना चाहता था, नाने नहीं आ रहा है। तो आप क्या करेंगे कि हरी वेंट टू आगरा, अब पहले सेंटेंस को पूरा लिख दिया, फिर दूसरे में जहां से इन्फिनिटिव था ये टू, बस वहीं से जोड़ देना है टू सी द ताज। ताज देखने के लिए हरी आगरा गया, ताज देखने के लिए हरी आगरा गया। अब ये ध्यान देना है कि ये जो फाइनाइट वर्ब होती है उसको एक फाइनाइट वर्ब को तो उसी रूप में रहने देते हैं तथा दूसरे को इन्फिनिटिव में बदलते हैं। ये ध्यान देना है कि एक फाइनाइट वर्ब को उसी रूप में रहने देते हैं और दूसरे को इन्फिनिटिव में बदलते हैं। तो एक हरी वेंट टू आगरा जैसे था ये देखो वही रख दिया, और दूसरे को मैंने इन्फिनिटिव में बदल दिया टू सी द ताज। ये टू सी द ताज था, बस लिख दिया, कुछ नहीं करना था। अगर यही टू ना होता जिसमें नहीं होगा तो हमें टू अपने से लगाना पड़ेगा, बस यही ध्यान देना है। नेक्स्ट है, ही विल गो टू कानपुर। He will see her father. आप देखिए कि इसमें टू नहीं है, क्या करना है, बनेगा ही विल गो टू कानपुर। पहले सेंटेंस को पूरा लिख दिया बिना कोई परिवर्तन किए। दूसरे में देखिए कि ये है वर्ब और इसी को हम इन्फिनिटिव बदलेंगे फाइनाइट वर्ब को टू सी हिज फादर। ही विल गो टू कानपुर, ही विल सी हिज फादर। अब क्या किया, पहले सेंटेंस को पूरा लिखा, ही विल गो टू कानपुर, ये देखो पूरा लिख दिया, और दूसरे में क्या था, ही विल सी हिज फादर, तो ये था वर्ब। वर्ब के पहले हमने क्या लगा दिया, ये टू प्लस वर्ब, तो वर्ब के पहले टू लगा दिया, टू सी हिज फादर बन गया। नेक्स्ट लेते हैं, ये तो फर्स्ट टाइप का हो गया, और सेकेंड टाइप का है He is very weak, he cannot run. He is very weak, he cannot run.
आप ध्यान दीजिए कि ये जो वेरी आया, वेरी जगह एडवर्ब टू लगाना है, तो बनेगा क्या, ही इज एडवर्ब टू लग गया, वेरी के स्थान पर एडवर्ब टू, वेरी के स्थान पर एडवर्ब टू, ध्यान दीजिए, तो वेरी के स्थान पर एडवर्ब टू लगा देना है। फिर ये वीक था कमजोर, इसको लिख दिया ही इज टू वीक। अब ये कैन नॉट के बाद ये आया वर्ब, वर्ब के पहले इसको लगाना नहीं है। इसको क्यों नहीं लगाना है, क्योंकि एडवर्ब टू के बाद जब इन्फिनिटिव टू लगाएंगे तो सेंस वही होगा, तो टू रन वेरी के स्थान पर टू लगा दिया, पहले सेंटेंस को उतार दिया और दूसरे में वर्ब के पहले टू लगा दिया। इसी तरह का एक सेंटेंस और देखते हैं कितने लोग बना पाते हैं। अगर इस पहले सेंटेंस को आप देख कर दूसरा बना लेते हो तो निश्चित रूप से आपकी बुक में एक्सरसाइज में जो भी होगा आप सब लोग बना लोगे, ऐसा विश्वास है। ही इज वेरी फैट, ही इज वेरी फैट, ही कैन नॉट सिट। अब देखिए, अब यहां वेरी था तो टू आ गया, यहां वेरी है तो क्या आएगा, बोलिए जरा, यहां वेरी था तो टू आ गया, यहां वेरी है तो क्या आएगा, वेरी गुड, टू आएगा, तो बनेगा ही इज टू। भाई वेरी के स्थान पर एडवर्ब टू लगा रहे थे, एडवर्ब टू लगा दिया, फैट एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को लगा दिया, ही इज टू फैट। अब देखिए यहां भी था ही कैन नॉट रन, तो ही कैन नॉट ये पूरे को हटाया था, वैसे ही यहां ही कैन नॉट है, इसको हटा देंगे, सब्जेक्ट हटा देंगे, कैन नॉट हटा देंगे, तो नॉट के बाद वाला लिखना है, नॉट के बाद वाला जो वर्ब है वर्ब के पहले क्या करना है, इन्फिनिटिव टू लगाना है, क्योंकि इन्फिनिटिव का ही यूज कर रहे हैं, टू सिट, ही इज टू फैट टू सिट, ही इज टू फैट टू सिट, इस तरह से बनाते हैं। अगर एक सेंटेंस और ले तो बनेगा कि सीता वेंट टू देहरादून, सीता वेंट टू देहरादून, एक सेंटेंस हो गया। अब इसको सीता वेंट टू देहरादून, शी वेंट देयर टू सी हिज सिस्टर, शी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर। फर्स्ट टाइप का है भैया, ये फर्स्ट टाइप का है, थर्ड है, थर्ड है, फोर्थ है और ये फिफ्थ। अभी जो आपने फर्स्ट टाइप का बनाया था उस टाइप का बनाना है। सीता वेंट टू देहरादून एक सेंटेंस हो गया, शी वेंट देयर टू सी हर फादर सिस्टर, तो आप क्या करना है, पहले सेंटेंस को पूरा लिख देंगे, सीता वेंट टू देहरादून, दूसरे में देखिए कि टू जहां से लगा है इन्फिनिटिव बस वहीं से लिख देना है, टू सी हर सिस्टर। बन गया सीता, ये आंसर है आपका, सीता वेंट टू देहरादून टू सी हर सिस्टर, ये था आपका इन्फिनिटिव। तो अगर इस तरह से इसको आप समझ सकते हैं तो फिर आपको अभ्यास करने में, एक्सरसाइज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।